इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। आज एक बार फिर एक नए प्रकरण के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। तो सीधा चलते हैं कंटेंट पर। आज के इस प्रस्तुतिकरण का विषय है शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स। इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम शैक्षिक उद्देश्यों के लेखन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, जैसे शैक्षिक उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन अर्थात व्यवहारिक उद्देश्य का परिचय, शैक्षिक उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन की आवश्यकता, व्यवहारिक रूप से लिखित उद्देश्य अर्थात व्यवहारिक उद्देश्यों की विशेषताएं और शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियां। हमने पहले भी इस विषय पर चर्चा की थी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चार भागों में बांटा गया है, नियोजन, प्रबंधन, अग्रसरण और नियंत्रण। कक्षा कक्ष में चलने वाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नियोजन वह अवस्था है जिसमें शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण से पूर्व अपने प्रकरण के संदर्भ में तैयारी कर रहा होता है और इस अवस्था में शिक्षक तीन बेहद महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला कार्य वह करता है कार्य विश्लेषण अर्थात टास्क एनालिसिस। दूसरा कार्य वह करता है उद्देश्यों को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और तीसरा कार्य वह करता है उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म। तो इन तीनों में से ये जो कार्य विश्लेषण और उद्देश्यों को पहचानना, इन दो टॉपिक्स पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और आज हमें जिस टॉपिक पर चर्चा करनी है वह है उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना अर्थात राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म। शैक्षिक उद्देश्यों की अद्यतन जानकारी के पश्चात शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने कक्षा शिक्षण से पूर्व हमेशा उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखे। जब अपनी कक्षा की तैयारी करते हुए शिक्षक लेसन प्लान बना रहा होता है तो उस लेसन प्लानिंग का इम्पोर्टेंट और आरंभिक पद होता है उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। तो प्रश्न यह उठता है कि उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लेखन है क्या? उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का तात्पर्य है पाठ्य वस्तु छात्रों के सम्मुख स्पष्ट करने के पश्चात छात्र व्यवहार में आने वाले संभावित परिवर्तनों अर्थात अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों को चंद शब्दों में स्पष्टतः लिपिबद्ध करना। उद्देश्यों का तात्पर्य होता है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, यानी कि वो व्यवहार परिवर्तन जो हम अपने प्रकरण के माध्यम से छात्रों में करने की सोच रहे हैं। बस इन संभावित व्यवहार परिवर्तनों को या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों को लिपिबद्ध करना ही उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना है या उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लेखन है। उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों की घोषणा है, यानी कि जो उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन है ये एक स्टेटमेंट है उस व्यवहार परिवर्तन की जिसकी अपेक्षा हम किसी प्रकरण के माध्यम से अपने छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। तो उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों की घोषणा है कि विशेष प्रकरण को पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति या छात्र क्या सोचेगा, कैसा महसूस करेगा और क्या क्रियाएं करेगा, यानी कि किसी एक प्रकरण को या प्रकरण के किसी तत्व को छात्रों के सम्मुख रखने के बाद उसकी सोच में क्या परिवर्तन आएगा, उसकी फीलिंग्स में क्या परिवर्तन आएगा और उसके कार्यों में क्या परिवर्तन आएगा, इसकी जो अपेक्षा हम करते हैं और उस अपेक्षा को हम लिखते हैं वह उद्देश्यों का व्यावहारिक लेखन है। व्यावहारिक रूप में लिखित शैक्षिक उद्देश्य व्यावहारिक उद्देश्य कहलाते हैं। जब हम शैक्षिक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिख लेते हैं तो ये शैक्षिक उद्देश्य व्यावहारिक उद्देश्य भी कहलाने लगते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि शैक्षिक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में क्यों लिखा जाए? तो इस चीज को हम एक बेहद सामान्य उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई सामान खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने का हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमको सामान खरीदना है, तो भी माँ कहती है लिस्ट बना लो,
लिख करके ले जाओ वरना भूल जाओगे। यानी कि लिखने के बाद हमें लगता है, हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हमसे खरीदारी में जिस उद्देश्य को लेकर के हम बाजार जा रहे हैं उस उद्देश्य में हमें कोई भूल नहीं होगी, हमसे कोई चूक नहीं होगी। बस यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है, शिक्षक के लिए भी लागू होती है उसके शिक्षण के संदर्भ में, कि जब कोई प्रकरण लेकर के कोई भी टीचर कोई भी शिक्षक अपनी कक्षा में जाता है तो उसके पास कुछ उद्देश्य होते हैं, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति में कोई चूक न हो जाए इसलिए शिक्षक को अपने प्रकरण से संबंधित उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिख लेना चाहिए और लिख करके संभवतः उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में शिक्षक से कोई चूक नहीं होगी। वह निश्चित हो जाएगा कि मुझे कक्षा में जाकर के यह उद्देश्य प्राप्त करना है तो प्राप्त करना है। तो सबसे पहली बात जो आती है वह है कि प्रकरण के माध्यम से प्राप्य उद्देश्यों अर्थात छात्र में होने वाले विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में अधिक स्पष्टता आती है। अगर हम शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिख लेते हैं तो हम उस व्यवहार परिवर्तन के प्रति अधिक स्पष्ट हो जाते हैं जो कि हम अपने प्रकरण के माध्यम से छात्रों के अंदर लाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम पिछले कुछ समय से उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य इन टॉपिक्स को कर रहे हैं। मैं कक्षा में जाकर के छात्रों को विशिष्ट उद्देश्य की परिभाषा बताना चाहती हूँ, मैं उन्हें परिभाषा बताती हूँ, निश्चित रूप से मेरी अपेक्षा यह होगी कि इस प्रकरण को पढ़ने के बाद छात्र विशिष्ट उद्देश्यों को परिभाषित कर सकें। तो ये जो छात्र विशिष्ट उद्देश्यों की परिभाषा बता सकेंगे, ये परिभाषा बता सकेंगे वो विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन है जो मैं ये जो प्रकरण विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण मैंने उनको पढ़ाया है उसके माध्यम से छात्रों के व्यवहार में करना चाहती हूँ। तो भाई छात्र परिभाषा बता सकेंगे, उन छात्रों का यह विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है जब मैं उसे कहीं पर लिख देती हूँ। तमाम प्रकार के शंकाएं शक यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है कि छात्र विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्यों में अंतर कर सकेंगे। अंतर कर सकेंगे वो आपेक्षिक व्यवहारिक परिवर्तन है जो मैं छात्रों में देखना चाहती हूँ जब मैं उनके सामने विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य में अंतर वाला प्रकरण उनके सम्मुख रखूंगी। मैं चाहती हूँ आज मैंने उनको यह अंतर बताया है, कल इस अंतर को वह स्वतः स्पष्ट कर सके, इतने सक्षम बच्चे बन जाए। तो वो कौन सा परिवर्तन मैं छात्रों में चाहती हूँ उसे स्पष्ट कर देता है शैक्षिक उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लेखन। अगला जो पॉइंट है कि शैक्षिक क्रियाएं सीमित, सुनिश्चित और स्पष्ट हो जाती हैं। जब हम उद्देश्यों का लेखन कर देते हैं, व्यवहारिक लेखन कर देते हैं, तो जो हमारी शैक्षिक क्रियाएं हैं वो भी सीमित हो जाती है। मेरा उद्देश्य है कि छात्र विशिष्ट उद्देश्यों को परिभाषित कर सकेगा तो मैं कक्षा में जा करके विशिष्ट उद्देश्यों की परिभाषा छात्रों के सम्मुख स्पष्ट करूँगी। एक उद्देश्य ने मेरी एक क्रिया को कहीं ना कहीं स्पष्ट भी किया है और सुनिश्चित भी किया है। अगला पॉइंट आता है कि शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चुनाव में सहायक। अगर हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिख लेते हैं तो हमें शिक्षण विधि और प्रविधियों के चुनाव में भी सहायता मिलती है। सपोज हमें एज ए केमिस्ट्री टीचर किसी कक्षा में रसायन विज्ञान पढ़ाने के लिए गई और पढ़ाने जाने से पहले मैंने अपने आज की कक्षा के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा और व्यवहारिक रूप में लिखते हुए मैंने लिखा कि छात्र NO2 गैस को प्रयोगशाला में बना सकेंगे। अब ये उद्देश्य लिखने के बाद यह तो स्पष्ट है कि मुझे कक्षा में जाकर के सारे बच्चों को प्रयोगशाला में ले जाना होगा, उनके सामने एक्सपेरिमेंट करना होगा, कथन स्पष्टीकरण जैसी प्रविधियों का प्रयोग करके बच्चों के सामने यह स्पष्ट करना होगा कि प्रयोगशाला में NO2 गैस किस तरह से बनती है। तो इस तरह से जब हम अपने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिख लेते हैं तो वह शिक्षण विधि एवं प्रविधियों के चुनाव में भी हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद आता है मूल्यांकन हेतु प्रश्न चुनाव में सहायक
और मूल्यांकन प्रविधियों के चुनाव में सहायक। शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के बाद हमें मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नों के चुनाव में भी सहायता मिलती है और मूल्यांकन प्रविधियों के चुनाव में भी सहायता मिलती है। और इन दोनों तथ्यों को हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि भावात्मक पक्ष को यानी कि अफेक्टिव डोमेन को बच्चों के सम्मुख रखने के से पहले जब इस प्रकरण की तैयारी की जा रही थी तो कुछ उद्देश्यों को हमने लिखा, जैसे कि छात्र भावात्मक पक्ष उद्देश्यों के उपवर्गों के नाम बता सकेंगे, यानी कि स्टूडेंट विल बी एबल टू नेम ऑफ द सब क्लासेस ऑफ अफेक्टिव डोमेन। छात्र भावात्मक पक्ष उद्देश्यों को परिभाषित कर सकेंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन अफेक्टिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स। और छात्र भावात्मक पक्ष उद्देश्य के उपवर्गों को परिभाषित कर सकेंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन सब क्लासेस ऑफ अफेक्टिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तीन तरह के उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लेखन किया और उदाहरण के तौर पर मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ। जब हम प्रकरण को पढ़ा देते हैं तो भाई उसके बाद बच्चों को समझ में आया है या नहीं, यह जानने के लिए हमें कुछ मूल्यांकन प्रश्नों की आवश्यकता होती है। तो ये जो उद्देश्य हमने लिखे हुए होते हैं यहीं से हमको मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न मिल जाते हैं। अगर मैं यह देखना चाहती हूँ कि मैंने शिक्षण किया, मेरा शिक्षण प्रभावी रहा या नहीं, मेरा शिक्षण सफल रहा या नहीं, तब भी अपने शिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए मुझे कुछ प्रश्नों की आवश्यकता होती है। तो जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन मैंने व्यवहारिक रूप में आगे लिखा हुआ है वहीं से मैं प्रश्नों को उठा सकती हूँ, बल्कि वहीं से हम प्रश्नों को बना लेते हैं। तो जैसे कि छात्र भावात्मक पक्ष उद्देश्यों के उपवर्गों के नाम बता सकेंगे, यहाँ से हमको एक प्रश्न मिला, निम्न में से कौन भावात्मक पक्ष का उपवर्ग है। अगर बच्चा भावात्मक पक्ष उद्देश्य के उपवर्गों के नाम बता सकता है तो इनमें से वह उस उपवर्ग को भी पहचान सकेगा जो कि भावात्मक पक्ष से संबंध रखता है। अब आपने एक चीज ये देखी कि एक तो मिला हमको प्रश्न, दूसरा हमको मिली मूल्यांकन प्रविधि, हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया। इसी तरह से हमने अति लघुतरीय प्रश्न दूसरी मूल्यांकन प्रविधि का चुनाव किया और हमने प्रश्न बनाया कि भावात्मक पक्ष के किन्हीं दो उपवर्गों के नाम बताइए। ये जो प्रश्न है डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। इसी ये जो हमने उद्देश्य का व्यवहारिक रूप में लेखन किया यहीं से यह दूसरा प्रश्न भी हमें मिला। तीसरा प्रश्न लघु उत्तरीय प्रकार का प्रश्न है, अगेन यह मूल्यांकन प्रविधि है कि भावात्मक पक्ष उद्देश्य को परिभाषित कर उदाहरण देकर समझाइए। मैंने अपना उद्देश्य लिखा है कि छात्र भावात्मक पक्ष उद्देश्य को परिभाषित कर सकेंगे। तो अगर मैं इस उद्देश्य को पाना चाहती हूँ तो मैं इस प्रकरण को भावात्मक पक्ष उद्देश्य प्रकरण को छात्रों के सम्मुख रखूंगी, उसके बाद छात्रों को समझ में आया या नहीं यह जानने के लिए मैं सीधा इसी उद्देश्य से प्रश्न उठा लूंगी कि भावात्मक पक्ष उद्देश्य को परिभाषित कर उदाहरण देकर समझाइए। इसी तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भावात्मक पक्ष उद्देश्य को परिभाषित करते हुए इस पक्ष के प्रत्येक उपवर्ग को स्पष्ट करते हुए शिक्षा प्रक्रिया में इनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये जितने भी प्रश्न हैं ये इन तीन उद्देश्य वो भी जो मैंने व्यवहारिक रूप में लिखे हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं उपजते हैं, हम उन्हीं से इनको ले लेते हैं। ये जो मूल्यांकन की प्रविधियां हैं ये भी इन लिखित उद्देश्यों पर ही आधारित होती हैं कि हम किस प्रविधि का चुनाव करें, इसका डायरेक्शन भी ये उद्देश्य हमको देते हैं। तो इस तरह से उद्देश्य मूल्यांकन हेतु प्रश्न चुनाव में भी सहायक होते हैं और मूल्यांकन प्रविधियों के चुनाव में भी सहायक होते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि व्यवहारिक रूप से लिखित शैक्षिक उद्देश्यों की विशेषताएं। व्यवहारिक रूप से जब हम शैक्षिक उद्देश्यों का लेखन कर रहे होते हैं तो वो जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं शैक्षिक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए उस स्टेटमेंट की कुछ विशेषताएं होनी
होती हैं और प्रत्येक छात्र अध्यापक को या प्रत्येक शिक्षक को अपने शैक्षिक उद्देश्यों का व्यावहारिक लेखन करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके स्टेटमेंट में यह विशेषताएं निश्चित रूप से होनी चाहिए। जैसे व्यावहारिक रूप से लिखित उद्देश्य छात्र केंद्रित होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 3 उद्देश्य लिखे गए हैं। छात्र विशिष्ट उद्देश्यों की परिभाषा बता सकेंगे, छात्र भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र भावात्मक पक्ष एवं ज्ञानात्मक पक्ष उद्देश्य के मध्य संबंध स्पष्ट कर सकेंगे। 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और तीनों के तीनों छात्रों के संदर्भ में बोले गए हैं। इसलिए जब भी आप अपने उद्देश्यों का व्यवहारिक लेखन करें तो प्रत्येक स्टेटमेंट छात्र को ध्यान में रखकर या छात्र को संबोधित करके लिखा जाना चाहिए। दूसरी विशेषता है कि व्यवहारिक रूप से लिखित उद्देश्य व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। यानी कि जब आप अपने उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखते हैं तो लिखते हुए आप उस अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को भी लिखेंगे जिसके लिए आप कक्षा में कोई प्रकरण रखने जा रहे हैं। जैसे कि इन उदाहरणों में परिभाषा बता सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे और संबंध स्पष्ट कर सकेंगे। यह वे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हैं जिनके लिए विशिष्ट उद्देश्य, भावात्मक पक्ष उद्देश्य और भावात्मक पक्ष एवं ज्ञानात्मक पक्ष उद्देश्यों के संबंध जैसे प्रकरण या प्रकरण के तत्व छात्रों के सम्मुख रखे जाने वाले हैं। तो ये प्रॉपर छात्रों में इन प्रकरणों को पढ़ने के बाद आने वाली बिहेवियर में चेंजिंग है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है और इनका उल्लेख इस स्टेटमेंट में होना चाहिए, यानी कि हमारे व्यवहारिक उद्देश्य में होना चाहिए। अगला पॉइंट है उद्देश्य में तत्व यानी एलिमेंट का भी उल्लेख होना चाहिए। बिल्कुल, जो उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखते हुए उस स्टेटमेंट में हम उस तत्व का, उस एलिमेंट का भी जिक्र करेंगे जिसके माध्यम से हम छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं। जैसे कि छात्र विशिष्ट उद्देश्यों की परिभाषा बता सकेंगे, छात्र तब परिभाषा बता सकेंगे जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यानी कि प्रकरण का तत्व यहाँ पर क्या है, विशिष्ट उद्देश्य, और उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। भावात्मक पक्ष उद्देश्य हमारे प्रकरण का तत्व है, उसका उल्लेख हमने यहाँ पर किया है और भावात्मक पक्ष एवं ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का संबंध के मध्य संबंध यह भी एक प्रकरण का तत्व है और यह इस स्टेटमेंट में हमने इस तत्व का भी उल्लेख किया है। तो यानी कि जब भी हम उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लेखन करें तो उसमें ये 3 तत्व निश्चित रूप से होने चाहिए। एक तो छात्र को संबोधित करके लिखना चाहिए, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखा हुआ होना चाहिए, वो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन जिसके लिए कि हम प्रकरण को छात्रों के सम्मुख रखने जा रहे हैं, और उस तत्व, उस एलिमेंट, उस प्रकरण का भी उल्लेख होना चाहिए जिसके माध्यम से हम छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन करना चाहते हैं। इनके अलावा शैक्षिक उद्देश्य एक भविष्य कथन होता है, अतः व्यवहारिक रूप से लिखते हुए इनकी भाषा भविष्यवाचक होनी चाहिए। भाई, शैक्षिक उद्देश्य को हम कक्षा शिक्षण आरंभ होने से पहले अपनी योजना बनाते समय अपने प्लान कॉपी में लिख रहे होते हैं, तो इसलिए इनकी जो भाषा है, क्योंकि भविष्य कथन है तो इनकी भाषा भविष्यवाचक ही होनी चाहिए। लिखित उद्देश्य भी छात्रों के स्तर, योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार हों। हम किस स्तर के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, हम उनसे उसी स्तर के व्यवहार परिवर्तन की अपेक्षा करेंगे। हम 10 बार कक्षाओं में कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कक्षा 5 में भी है और प्रकाश संश्लेषण बॉटनी MSc का विषय भी है, लेकिन अगर हम MSc के छात्रों के लिए प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में उद्देश्य बनाने जा रहे हैं, उसका नेचर बिल्कुल अलग होगा और कक्षा 5 के बच्चे के लिए जो हमारा स्टेटमेंट है या व्यवहारिक उद्देश्य है उसका नेचर बिल्कुल अलग होगा। तो जब भी आप व्यवहारिक उद्देश्य को निर्धारित करें या लिखें तो उस समय आपको छात्रों के स्तर, योग्यता और आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। एक लिखित व्यवहारिक उद्देश्य केवल एक ही बात या एक ही विचार को व्यक्त करे। यानी कि जब भी हम
उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखें तो वह स्टेटमेंट केवल एक बात को बोले, जैसे कि विशिष्ट उद्देश्य की परिभाषा बता सकेंगे, विशिष्ट उद्देश्य का अर्थ बता सकेंगे, भावात्मक पक्ष उद्देश्य की व्याख्या कर सकेंगे, ये सारे के सारे प्रकरण से जुड़ी हुई एक ही बात बोल रहे हैं, एक एक बात को या एक बात एक विचार को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कि हमारे व्यवहारिक उद्देश्यों में होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले बिंदु की, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियाँ। शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए विभिन्न विद्वानों ने कार्य किया है। ड्रूकर, ब्लूम, मेगर, मिलर आदि कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया। और उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए जो चार प्रसिद्ध विधियां हैं वो हैं रॉबर्ट मेगर विधि, ग्रोकुंड विधि, मिलर विधि और RCEM विधि। और इनमें से हम RCEM विधि की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि भारतीय संदर्भ में शैक्षिक उद्देश्यों के व्यवहारिक लेखन के लिए RCEM विधि का ही अनुसरण किया जाता है। लेकिन यदि इस वीडियो में ही RCEM विधि को हम स्पष्ट करने लग गए तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो का अग्रिम क्रम के साथ मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।